गुड मॉर्निंग क्लास, आई एम डॉक्टर स्वाति सक्सेना, योर फिजियोथेरेपी फैकल्टी एट इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पैरा मेडिकल साइंसेज। एंड एज वी ऑल नो, वी आर गोइंग थ्रू GIT ट्रैक, दैट इज गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। तो नेक्स्ट वी विल बी स्टडिंग अबाउट पैंक्रियाज, बिकॉज स्टिल स्टमक वी हैव ऑलरेडी कम्प्लीटेड। तो आज देखते हैं पैंक्रियाज क्या होता है। पैंक्रियाज इज एन इलोंगेटेड ऑर्गन नियर अबाउट 12 to 15 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 2.5 सेंटीमीटर इन विड्थ। जो आपका पैंक्रियाज है, एक लंबा सा ऑर्गन है जो कि लगभग 12 से 15 सेंटीमीटर लंबा है और लगभग 2.5 सेंटीमीटर उसकी विड्थ है। इट वेट्स अबाउट 60 ग्राम्स, ये लगभग 60 ग्राम का होता है। इट इज़ सिचुएटेड बिटवीन लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। आपको मैंने पहले भी बताया था, जो आपका एब्डोमिनल कैविटी होता है उसमें 9 क्वाड्रेंट्स होते हैं और उसमें से जो पैंक्रियाज है वो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन में प्रेजेंट होता है। इस डायग्राम में आप क्लियरली देख सकते हो, ये जो आपको येलो कलर का दिखाई दे रहा है ये आपका पैंक्रियाज है। ये जस्ट आपके लिवर के नीचे है, आधा पार्ट स्टमक के आगे है, आधा पार्ट स्टमक के पीछे है, उसके बाद ड्यूडेनम से जस्ट लगा हुआ है। ड्यूडेनम यानी कि आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट, ये ड्यूडेनम से जस्ट लगा हुआ है। तो इसमें आप क्लियरली अपना पैंक्रियाज देख सकते हो, पैंक्रियाज की पोजीशन देख सकते हो और ये देख सकते हो पैंक्रियाज किस तरह से आपकी बॉडी में प्रेजेंट होता है। तो दिस वॉज योर पैंक्रियाज। आगे देखते हैं हम पैंक्रियाज के पार्ट्स। पैंक्रियाज के मेनली 3 पार्ट्स होते हैं, हेड, देन बॉडी एंड द टेल। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पर जो ब्राइट येलो कलर से पार्ट दिख रहा है इट इज़ मार्क्ड एज हेड ऑफ पैंक्रियाज। ये हेड ऑफ पैंक्रियाज है, ये एक राउंडेड ऑर्गन होता है जो कि ड्यूडेनम के कर्व में प्रेजेंट होता है। जो आपकी ड्यूडेनम है यानी कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है, उसका जो पहला कर्व बनता है उसी कर्व में हेड ऑफ पैंक्रियाज प्रेजेंट होता है। अच्छा, एक चीज़ आपने इसमें नोटिस करी होगी कि आधा पैंक्रियाज ब्राइट येलो कलर से है, बाकी का पैंक्रियाज जो है वो डल येलो कलर से या कम दिख रहा है। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि जो ब्राइट येलो कलर से पैंक्रियाज दिख रहा है, दैट इज़ द पार्ट ऑफ पैंक्रियाज जो सामने से दिखता है, मतलब एंटीरियरली दिखता है और स्टमक से छुपता नहीं है। बट जो डल येलो कलर का पार्ट है ये स्टमक के जस्ट पीछे होता है और एंटीरियरली अगर देखा जाए तो ये नहीं दिखाई देता है, इस वजह से ये इस तरह से बना हुआ है। तो जो आपका हेड ऑफ पैंक्रियाज है, इट इज़ द राउंडेड ऑर्गन विच इज़ प्रेजेंट इन द कर्व ऑफ ड्यूडेनम, दैट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद आता है हमारा बॉडी, बॉडी ऑफ पैंक्रियाज। तो हेड ऑफ पैंक्रियाज जहाँ से ख़त्म होता है वहाँ से लेकर थोड़ा आगे तक बॉडी ऑफ पैंक्रियाज प्रेजेंट होता है एंड इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स, इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ योर पैंक्रियाज जहाँ पर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। उसके जस्ट आगे जो पतली सी जगह, पतला सा हमारा पैंक्रियाज का पार्ट बचता है उसको हम बोलते हैं टेल। ये जो पार्ट दिख रहा है लास्ट में, ये वाला पार्ट, ये होता है हमारा टेल ऑफ पैंक्रियाज और ये हमारा टच होता है स्प्लीन से और ये जस्ट पीछे हमारे, जस्ट स्टमक के पीछे है, किडनी से जस्ट आगे है और स्प्लीन से हमारा टच कर रहा है। इसमें आप पढ़ भी सकते हो, हेड, इट इज़ राउंडेड इन शेप एंड लाई इन द कर्व ऑफ ड्यूडेनम। सेकेंड इज़ बॉडी, इट इज़ द चीफ पार्ट ऑफ पैंक्रियाज विच इज़ प्रेजेंट जस्ट बिहाइंड द स्टमक। थर्ड वन इज टेल, इट इज़ टेपर्ड पार्ट ऑफ पैंक्रियाज विच लाइज इन फ्रंट ऑफ लेफ्ट किडनी एंड जस्ट रीचेज नियर द स्प्लीन। आगे हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पैंक्रियाज। तो द पैंक्रियाज इज़ अ डबल फंक्शन ऑर्गन कंटेनिंग बोथ एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन सेल्स। मेरे ख्याल से आप लोग एंडोक्राइन सिस्टम में आपने इसके बारे में भी पढ़ा होगा कि जो आपका पैंक्रियाज होता है इसके दो फंक्शंस होते हैं, ये दो तरह के फंक्शंस निभाता है, एक एक्सोक्राइन फंक्शन और दूसरा एंडोक्राइन फंक्शंस। मतलब इसके अंदर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के भी फंक्शन हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड्स के भी फंक्शंस हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स यानी जिनके डक्ट्स होते हैं, जो डक्ट के थ्रू अपना सिक्रीशन देते हैं, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो कि डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं और बिना डक्ट्स के अपना सिक्रीट करते हैं। तो द पोर्शन ऑफ द पैंक्रियाज विच हैज एक्सोक्राइन फंक्शन कंप्राइजेस मेनी डक्ट्स बट देर आर 2 मेजर डक्ट्स प्रेजेंट। जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है आपके पैंक्रियाज का, उसमें बहुत सारे डक्ट्स प्रेजेंट होते हैं बट मेजर मेन 2 ही डक्ट्स होते हैं, वो होती हैं डक्ट ऑफ वर्सिंग एंड डक्ट ऑफ सेंटोरिनी। तो ये हो गई आपके एक्सोक्राइन फंक्शन के 2 डक्ट्स। उसके बाद आता है हमारा एंडोक्राइन फंक्शन। तो द पोर्शन ऑफ द पैंक्रियाज विच हैज एंडोक्राइन फंक्शन कंप्राइजेज ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस विच फॉर्म्स अदर हार्मोन्स सच एज इंसुलिन, ग्लूकागॉन एंड सोमैटोस्टैटिन। तो जो
एंडोक्राइन फंक्शन है, मैंने उसको अभी आपको बताया, ये डक्टलेस फंक्शन होता है, इसकी कोई डक्ट नहीं होती, कोई ट्यूब नहीं होती है, तो ये डायरेक्ट अपना सिक्रीशन निकालते हैं। तो एंडोक्राइन फंक्शन के लिए इसके अंदर कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, और ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस इंसुलिन, ग्लूकागन और सोमैटोस्टैटिन जैसे हार्मोन्स रिलीज करने में इंपॉर्टेंट होते हैं। ये इसमें आप देख सकते हो, इस डायग्राम में आपको हेड भी दिखाई दे रहा है, हेड के आगे आपको बॉडी दिखाई दे रही है, बॉडी के जस्ट आगे टेल दिखाई दे रही है, हेड आपके ड्यूडेनम के कर्व में है, बॉडी है उसके बाद जो टेल है वो आपकी स्प्लीन से टच हो रही है। इसके अंदर फिर आपको ये पैंक्रियाटिक डक्ट भी दिख रही होगी, ये भी उन्हीं एक्सोक्राइन डक्ट्स में से एक होती हैं। उसके बाद आप देख सकते हो कॉमन बाइल डक्ट, ये है आपका पैंक्रियास का एक ओवरऑल स्ट्रक्चर, उसके अंदर का भी पार्ट जिसमें आप तीनों चीज़ें देख सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं नर्व सप्लाई ऑफ पैंक्रियाज, तो पैंक्रियाज इज सप्लाइड बाय 10th क्रेनियल नर्व, दैट इज योर वेगस नर्व। नेक्स्ट इज कॉम्पोजिशन एंड फंक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक जूसेस। अब पैंक्रियाज जो जूसेस सिक्रीट करता है उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है हम ये देख लेते हैं। सबसे पहले तो डेली सिक्रीशन इज लगभग 1200 से 1500 ml, अपियरेंस इज ट्रांसपेरेंट कलरलेस फ्लूइड एंड इट इज़ आइसोटोनिक विद प्लाज्मा, उसके अंदर प्लाज्मा भी प्रेजेंट होता है। उसका पीएच होता है 7.8 to 8.4, मतलब कि अल्कलाइन नेचर का होता है। पैंक्रियाटिक जूसेस अलॉन्ग विद अल्कलाइन बाइल न्यूट्रलाइजेज द गैस्ट्रिक एसिड, जो पैंक्रियाज से जो जूस निकलता है और जो बाइल निकलता है हमारे लिवर से, वो दोनों आपस में मिलके हमारे स्टमक के गैस्ट्रिक एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं, नॉर्मल करते हैं, सो दैट हमारे पेट के अंदर जलन ना हो या पेट के अंदर अल्सर्स ना हो जाएं, पेट के अंदर छाले ना पड़ जाएं। उसके बाद कैटायंस अगर देखें तो सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक एंड कैल्शियम, ये सारे कैटायंस प्रेजेंट होते हैं। एनायंस की बात करें तो Cl- HCO3- फॉस्फेट एंड SO4-, ये सारे एनायंस होते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी उसकी होती है 1010 to 1018। एंजाइम्स की अगर हम बात करें कि कौन कौन से एंजाइम्स ये सिक्रीट करता है, आइदर बाय एक्सोक्राइन फंक्शन और बाय एंडोक्राइन फंक्शन, तो इसमें सबसे पहले होता है पैंक्रियाटिक अल्फा अमाइलेज, देन पैंक्रियाटिक लाइपेज, देन पैंक्रियाटिक एस्टरेज, देन पैंक्रियाटिक प्रोफॉस्फोलाइपेज A2, देन प्रोटियोलिटिक एंजाइम सच एज ट्रिप्सिनोजिन, काइमोट्रिप्सिनोजिन, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज A and B, राइबोन्यूक्लिएज, प्रो इलास्टेज, ट्रिप्सिन इनहिबिटर। एंड ट्रिप्सिन इनहिबिटर का मेन फंक्शन जो है, जो आपको पता होना चाहिए, इज प्रोटेक्ट्स पैंक्रियास फ्रॉम ऑटोडाइजेशन। इसका मतलब है कि बाकी के जो एंजाइम्स हैं वो सारे कुछ ना कुछ डाइजेस्ट करने के लिए निकल रहे हैं, तो ट्रिप्सिन इसलिए निकलता है कि ऐसा ना हो कि जो बाकी के एंजाइम्स पैंक्रियाज निकाल रहा है उसकी वजह से खुद पैंक्रियाज ही डाइजेस्ट हो जाए। तो जो ट्रिप्सिन है वो पैंक्रियाज को खुद, पैंक्रियाज के खुद के डाइजेशन को रोकने से बचाता है, वो पैंक्रियाज को डाइजेस्ट होने से रोकता है। तो दिस वॉज योर पैंक्रियाज। पैंक्रियाज में आज हमने पढ़ा अबाउट पैंक्रियाज, देन पैंक्रियाज का स्ट्रक्चर, उसके पार्ट्स, उसके बाद हमने पढ़ी उसकी नर्व सप्लाई एंड द सिक्रीशंस जो पैंक्रियास से होती हैं। तो दिस वाज योर पैंक्रियास। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कभी भी मुझसे पूछ सकते हो, एंड इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।